एक एक बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप जो जो है है यहाँ यहाँ पे पे एलआईसी एलआईसी के के तहत तहत निकाली निकाली गई गई है, है, इसी इसी के के बारे बारे में में डिटेल डिटेल चर्चा चर्चा करेंगे। करेंगे। यहाँ यहाँ पे पे एलआईसी एलआईसी के के तहत तहत आपको आपको स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप मिलेंगी मिलेंगी अगर अगर आप आप जो जो है है मैट्रिक मैट्रिक इंटर इंटर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिप्लोमा आईटीआई आईटीआई इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करते करते हैं, हैं, तो तो इसके इसके लिए लिए जो जो है है एलआईसी एलआईसी के के तहत तहत एक एक बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप की की जो जो है है यहाँ यहाँ पे पे घोषणा घोषणा की की गई गई है। है। चलिए चलिए इसके इसके बारे बारे में में आपको आपको पूरी पूरी डिटेल्स डिटेल्स बताएंगे बताएंगे कि कि कैसे कैसे आप आप एलआईसी एलआईसी के के तहत तहत यहाँ यहाँ पे पे स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप के के लिए लिए आवेदन आवेदन करेंगे, करेंगे, कौन 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 अप्लाई अप्लाई कर कर सकते सकते हैं हैं और और पूरी पूरी डिटेल्स डिटेल्स आपको आपको कितनी कितनी स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप मिलेंगी मिलेंगी पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन आपको आपको बताते बताते हैं। हैं। तो तो यहाँ यहाँ पे पे एलआईसी एलआईसी के के तहत तहत जो जो है है यहाँ यहाँ पे पे जुबली जुबली स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप स्कीम स्कीम 2023 2023 जो जो है है जारी जारी कर कर दी दी गई गई है। है। तो तो इसके इसके लिए लिए जो जो है है अगर अगर आप आप जो जो है है ओबीसी ओबीसी ईबीसी ईबीसी से से बिलोंग बिलोंग करते करते हैं, हैं, इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल वीकर वीकर सेक्शन सेक्शन से से बिलोंग बिलोंग करते करते हैं, हैं, तो तो आप आप इसके इसके लिए लिए जो जो है है अप्लाई अप्लाई कर कर सकते सकते हैं। हैं। पूरी पूरी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डिटेल डिटेल से से यहाँ यहाँ पे पे बताई बताई गई गई हैं। हैं। अब अब बात बात कर कर लेते लेते हैं हैं कौन 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 अप्लाई अप्लाई करेगा। करेगा। तो तो देखिए देखिए अगर अगर आपकी आपकी अगर अगर आप आप मैट्रिक मैट्रिक इंटर इंटर जो जो है है मिनिमम मिनिमम 60% 60% मार्क्स मार्क्स के के साथ साथ पास पास आउट आउट किए किए हैं, हैं, तो तो आप आप इसके इसके लिए लिए आवेदन आवेदन कर कर सकते सकते हैं। हैं। चाहे चाहे आप आप ओबीसी ओबीसी से से बिलोंग बिलोंग करते करते हैं, हैं, ईबीसी ईबीसी से से बिलोंग बिलोंग करते करते हैं, हैं, ईडब्ल्यू ईडब्ल्यू एस एस से से बिलोंग बिलोंग करते करते हैं, हैं, आप आप इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल वीकर वीकर सेक्शन सेक्शन से से बिलोंग बिलोंग करते करते हैं हैं और और मैट्रिक मैट्रिक इंटर इंटर में में मिनिमम मिनिमम 60%60% मार्क्स मार्क्स आपका आपका है, है, तो तो आप आप इस इस योजना योजना के के तहत तहत जो जो है है अप्लाई अप्लाई कर कर सकते सकते हैं हैं और और एलआईसी एलआईसी के के तहत तहत स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप ले ले सकते सकते हैं। हैं। और और आपकी आपकी जो जो ईयरली ईयरली इनकम इनकम है है वो वो 2.5 लाख रुपए2.5 लाख रुपए से से कम कम होनी होनी चाहिए, चाहिए, तो तो आप आप इसके इसके लिए लिए अप्लाई अप्लाई कर कर सकते सकते हैं। हैं। अगर अगर आप आप ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करते करते हैं हैं तो तो भी भी आपको आपको स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप मिलेगा, मिलेगा, आईटीआई आईटीआई करते करते हैं हैं तो तो भी भी स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप मिलेगा। मिलेगा। अगर अगर आप आप डिप्लोमा डिप्लोमा करते करते हैं, हैं, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करते करते हैं, हैं, किसी किसी भी भी तरह तरह के के कोर्स कोर्स करते करते हैं, हैं, तो तो आप आप इस इस योजना योजना के के तहत तहत एलआईसी एलआईसी के के तहत तहत जो जो है है स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप ले ले सकते सकते हैं। हैं। बस बस शर्त शर्त है है आपकी आपकी मैट्रिक मैट्रिक इंटर इंटर में में जो जो है है मिनिमम मिनिमम 60%60% मार्क्स मार्क्स होनी होनी चाहिए चाहिए और और आपकी आपकी वार्षिक वार्षिक आय आय जो जो है है आपको आपको 2.5 लाख रुपए2.5 लाख रुपए से से कम कम होनी होनी चाहिए, चाहिए, तो तो आप आप इस इस योजना योजना का का लाभ लाभ ले ले सकते सकते हैं। हैं। अगर अगर आप आप मैट्रिक मैट्रिक जो जो है है 10th टेंथ जो जो है है 60% 60% मार्क्स मार्क्स के के साथ साथ किए किए हैं, हैं, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट में में पास पास आउट आउट किए किए हैं हैं और और आपकी आपकी इनकम इनकम जो जो है है पर पर एनम एनम 2.5 लाख2.5 लाख से से कम कम है, है, तो तो आप आप इसके इसके लिए लिए अप्लाई अप्लाई कर कर सकते सकते हैं। हैं। देखिए देखिए यहाँ पे यहाँ पे स्पेशल स्पेशल स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप जो जो है है चाइल्ड चाइल्ड के के लिए लिए भी भी है। है अगर अगर आप आप चाइल्ड चाइल्ड हैं हैं और और मैट्रिक मैट्रिक इंटर इंटर में में जो जो है है यहाँ यहाँ पे पे 60% 60% मार्क्स मार्क्स के के साथ साथ पास पास आउट आउट किए किए हैं हैं और और आपकी आपकी वार्षिक वार्षिक आय आय जो जो है है 2.5 लाख2.5 लाख से से कम कम है, है, तो तो आप आप इसके इसके लिए लिए अप्लाई अप्लाई कर कर सकते सकते हैं। हैं। आपको आपको भी भी जो जो है है यहाँ यहाँ पे पे स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप के के तहत तहत जो जो है है आपको आपको लाभ लाभ मिलेगा। मिलेगा। देखिए देखिए अगर अगर आप आप जनरल जनरल स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप के के लिए लिए अप्लाई अप्लाई करते करते हैं हैं तो तो इसमें इसमें 40,000 रुपये चालीस पर पर एनम एनम जो जो है है आपको आपको स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप मिलेगा। मिलेगा। अगर अगर आप आप जो जो है है हायर हायर एजुकेशन एजुकेशन करते करते हैं, हैं, जैसे जैसे मेडिकल मेडिकल का का कोई कोई कोर्स कोर्स कर कर रहे रहे हैं, हैं, मेडिसिन मेडिसिन का का कोई कोई कोर्स कोर्स कर कर रहे रहे हैं, हैं, तो तो पर पर एनम एनम जो जो है है 40,000 रुपये चालीस हजार आपको रुपये स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप मिलेगा। मिलेगा। वो वो आपको आपको इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट जो जो है है 3 इंस्टॉलमेंट3 इंस्टॉलमेंट में में जो जो है है आपको आपको सहायता सहायता राशि राशि मिलेगा। मिलेगा। फर्स्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में में जो जो है है 12,000 रुपये12,000 रुपये मिलेंगे, मिलेंगे, फिर फिर उसके उसके बाद बाद 12,000 12,000 और और थर्ड थर्ड इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में में जो जो है है 16,000 रुपये16,000 रुपये आपको आपको मिलेंगे। मिलेंगे। उसी उसी तरह तरह से से अगर अगर आप आप कोई कोई इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कोर्स कोर्स करते करते हैं हैं तो तो उसके उसके लिए लिए आपको आपको पर पर एनम एनम जो जो है है 30,000 रुपये तीस हजार रुपये आपको आपको स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप के के रूप रूप में में मिलेगा। मिलेगा। फर्स्ट फर्स्ट जो जो है है देख देख सकते सकते हैं हैं यहाँ यहाँ पे पे फर्स्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में में जो जो है है 9,000,9,000, दूसरे दूसरे इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में में 9,000 9,000 और और तीसरे तीसरे इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में में जो जो है है 12,000 रुपये12,000 रुपये आपको आपको सहायता सहायता राशि राशि मिलेंगे। मिलेंगे। उसी उसी तरह तरह से से यहाँ यहाँ पे पे अगर अगर आप आप जो जो है है ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कोर्स कोर्स करते करते हैं, हैं, डिप्लोमा डिप्लोमा कोर्स कोर्स करते करते हैं, हैं, आईटीआई आईटीआई कोर्स कोर्स करते करते हैं, हैं, तो तो इसके इसके लिए लिए आपको आपको 20,000 रुपये20,000 रुपये पर पर एनम एनम जो जो है है स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप के के रूप रूप में में मिलेगा। मिलेगा। तो तो पहले पहले इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में में जो जो है है 6,000 6,000 मिलेंगे, मिलेंगे, उसके उसके बाद बाद 6,000, 6,000, उसके उसके बाद बाद 8,000 8,000 रुपये रुपये की की सहायता सहायता राशि राशि आपको आपको 3 इंस्टॉलमेंट3 इंस्टॉलमेंट में में 20,000 20,000 रुपये रुपये मिलेंगे। मिलेंगे। उसी उसी तरह तरह से से स्पेशल 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 स्पेशल
देखिए इस तरह का जो फॉर्म है यहाँ पे ओपन हो जाती है गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2023। यहाँ पे अपना स्टेट आपको चूज करना होता है, उसके बाद यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे जेंडर आप चूज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, नेशनलिटी चूज करेंगे, अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे विलेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, थाना हो गया, सिटी हो गया, पिन कोड हो गया, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे, अपनी कैटेगरी जो है चूज कर लेंगे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इसमें जो है जनरल ओबीसी एससी एसटी विकलांग लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो सभी के लिए डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पे पूछ रहा है अप्लाइंग स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीशन, मगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास है या आप इंटरमीडिएट पास हैं, जो पास है टिक करिएगा। यहाँ पे एजुकेशनल स्ट्रीम पर्पस टू परस्यू, किसके लिए आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिसिन के लिए, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, डिप्लोमा कोर्स के लिए, वोकेशनल कोर्स के लिए, इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, जिस कोर्स के लिए आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोर्स का नाम आपको इंटर करना है, किस कोर्स के लिए आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं और कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल का है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। एनुअल इनकम पेरेंट्स की आपकी कितनी है, तो यहाँ पे आपको जो है लेस देन जो है यहाँ पे आप चूज कर लेंगे, जो आपकी इनकम है वो यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का डिटेल आपको देना है, मैट्रिक आप किस बोर्ड से किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं वो यहाँ पे डालना है। मैट्रिक आप कब किए हैं पास आउट, वो आपको 2022-23 में ही पास आउट होनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मैट्रिक में कितना परसेंट आप ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर करंटली रिसीविंग अप्लाइंग फॉर LIC GFSIP स्कॉलरशिप, अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई इसके लिए अप्लाई किए हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करना है। फिर कह रहा है आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, अगर आप पहले कोई स्कॉलरशिप जो है प्राप्त किए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है, यहाँ पे नो ही करिएगा, ठीक रहेगा, बेटर रहेगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है इंटर करनी है, जिसमें आपको IFSC कोड यहाँ पे डालना है, बैंक का नाम डाल देंगे, ब्रांच का नाम डाल देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे और लास्ट का 4 डिजिट अपने आधार का यहाँ पे इंटर करना है, 4 डिजिट ही इंटर करना है, ध्यान रखिएगा। जो टर्म एंड कंडीशन दी गई है इसको टिक मार करके सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से जो है आप स्कॉलरशिप के लिए जो है आप आवेदन कर लेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है, इस तरह से जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप जो है किसी भी कोर्स में जो है आप एडमिशन लिए हैं तो इस योजना के तहत जो है आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन लेकर जो है यहाँ पे पैसे ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इसकी नोटिफिकेशन के लिंक, अप्लाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना ना भूलिएगा, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।